हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की ये लास्ट वीडियो होगी। देखिए, हम इस पर लगभग 3 या 4 वीडियोस पहले डाल चुके हैं और एक वीडियो सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक्स पर डाली है कि जितने क्वेश्चन आप इसके ट्रिक से हल कर सकते हैं। और जितने मैंने जिस भी टाइप क्वेश्चन के मैंने आपको ट्रिक बताई, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, मैं बिल्कुल आपको 100% की गारंटी से बार बार कहता हूँ कि 25 के 25 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए में से आएंगे। मैंने आपको टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन और प्रॉफिट लॉस आज ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम डिस्टेंस ट्रेन का क्वेश्चन जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनके उसमें से ही आया हुआ होगा। क्योंकि देखिए, मैंने किसी भी टाइप का इनके क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। और पहली बात, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्वेश्चन जैसा भी डाल दे, कैसे यूनिट को चेंज करें, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन आप खुद कर ही लेंगे। वो उसके अलावा मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। ये वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की इस कर डाल रहा हूँ क्योंकि एक दो टाइप के क्वेश्चन मुझे और इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको करवा दूँ। वैसे देखिए, जिस जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, वैसे आप खुद भी निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसी के साथ ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का आज ये लास्ट वीडियो होगी। और ये वीडियो सिर्फ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको बताऊंगा, बाकी लगभग सब हम डिस्कस कर चुके। इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो पिछली बार पटवारी एग्जाम है वो भी मैंने आपको करवा दिए। उसके अलावा मैंने हर इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। और आगे लिखा कि यदि सी ने इसके लिए 1000 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। वैसे देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा तो आप उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक सीधा बताऊंगा आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे एक्स, मान लीजिए कि ए ने एक्स रुपये में खरीदा होगा, तो ए ने अगर एक्स रुपये में खरीदा, यानी कि ए का क्रय मूल्य एक्स रुपये, तो ए ने बी को कितने रुपये में बेचा, 20%। यानी कि ए ने ए का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो एक्स परसेंट ए का क्रय नहीं सॉरी ए यानी कि मैं जहाँ लिखता हूँ कि ए का क्रय मूल्य है एक्स रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना है एक्स रुपये कॉस्ट प्राइस ए के लिए, और ए ने कितने परसेंट लाभ पर इसे बी को बेचा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना, 20%। तो हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि ए ने इसे बेचा कितने रुपये में। तो कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100+ लाभ%, यानी कि 100+ B 120/100, यानी कि ए ने बी को कितने रुपए में बेचा, इस वस्तु को इतने रुपए में, जो भी इसे कैलकुलेट कर कर आएगा इतने रुपए में बेचा। देखिए, हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखिए, अब जे क्या हो गया, ए ने बी को इतने रुपए में बेचा, परंतु ए ने बी को इतने रुपए में बेचा इसका मतलब जो है कि बी ने इतने रुपए में खरीदा, यानी बी का क्या होगा, जे क्रय मूल्य। ठीक, आगे बी ने जे देखिए जे अब बी का जे क्रय मूल्य, बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 25%। ठीक, तो अब हम सी का विक्रय मूल्य निकाल सकें कि सी ने बेचा कितने रुपए में से, तो सी का जे क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100+ लाभ%, कितने रुपए में बेचा उसने, 25% लाभ पर सी को। ठीक, इतने रुपए लाभ में सी को बेचा। ठीक, अब देखिए जे अगर मैं अब इस पूरी की बात करूं तो जे मेरे पास अब क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य, बी के विक्रय मूल्य, यानी कि बी ने सी को कितने रुपए में बेचा, तो इतने रुपए में बेचा। ठीक, परंतु हमें जे दे रखा कि सी ने इसके लिए 1000 रुपये दिए, तो 1000 रुपये किसको दिए होंगे, जिसने सी ने खरीदा, किससे, बी के, बी से खरीदा, तो इसका मतलब सी ने बी को 1000 रुपये दिए, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने सी को 1000 रुपये में ये चीज़ बेची। तो यानी कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, बी का 1000 रुपये। तो अब इसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, तो एक्स की वैल्यू ही निकालनी चाहिए दे रखा है क्वेश्चन में, तो 100 × 100, यानी कि जे 100 उस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, नीचे आ जाएगा 120 × 125। अब देखिए सिंपली आप इसे क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। देखिए 1 से 1 0 मैं काट देता हूँ, और अगर हम मैं 5 से ही काटता हूँ इसे, देखिए 25 का पहाड़ा पड़ते हैं सीधा, तो 25 से 5 बार 25 × 100 = 0। ठीक, 5 × 8 = 40। अब 4 × 3 = 4 × 2 = 8। तो देखिए ये कट कटाकर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, तो जे देखिए जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी बटा में आएगी वैल्यू, यानी कि कितनी आएगी, 3, यानी कि 2000/3, यानी कि ए ने कितने रुपए में इसे खरीदा था। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, देखिए सीधा बुक में ऐसा दे रखा था एक्स गुणा 120/100 ऐसे, तो अब आपको पता चल गया कि हम ऐसे करते क्यों हैं। ठीक, तो आप सिंपली अब आप क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे,
बी अगर लाभ पर बेचा तो 100 में ऐड करके लिख देंगे 120/100, उससे आगे 25% दे रखा तो 125% बटे 100, अगर हानि दे रखी मान लो अब आगे हानि भी दे रखी, अगर सी ने भी मान लो डी को बेचा ऐसे और 10% हानि पर, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस देंगे 90/100, ऐसे ऐसे करते जाएंगे बराबर जो जितनी भी रकम दे रखी होगी 1000 रुपये ऐसे कर देंगे। परंतु मैंने आपको ये बता दी कि हम ऐसा करते क्यों हैं। देखिए मैंने आपको एक और भी तरीका बताया कि हम कैसे कर सकते हैं, 20% यानी 20/100 यानी कि 100 की चीज़ 20 रुपये उस पर लाभ हुआ हुआ तो बेची कितने में होगी 120 रुपये में। जी हम एक एक बात करें, क्योंकि ए ने बेचा बी को 20% में, यानी कि ए ने खरीदी कितने में 100 रुपये में, बेची कितने में बी 120 रुपये में। इसी तरह अब बी ने कितने रुपये में बेची आगे सी को 25%, यानी कि 25/100 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 25/100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 रुपये में खरीदी बी ने, 25 रुपये उस पर लाभ कमाया, बेची कितने में बी ने 125 रुपये में। ठीक अब इसी तरीके से बेची किसको सी को, परंतु देखिए जे जो विक्रय मूल्य 125 मैंने निकाला बी का, परंतु जे मुझे क्वेश्चन में 1000 रुपये के बराबर दे रखा है, तो 125 को अगर मैं 1000 के बराबर करूं तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास, यानी कि 4 20 4 8 2 10 यानी कि 25 25 40 5 8, यानी कि 125 का 8 गुना क्या होता है 1000। इसी तरह 120 का 8 गुना क्या होगा 960। इसी तरह 100 का 8 गुना 800, इसका 100 का 8 गुना 800। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आपने निकालना कि सी ए ने इसे खरीदा कितने रुपए में। रुको थोड़ा सा मैं इसे साफ करता हूँ फिर आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो करवाया था ऐसे ये वाला तरीका मैंने करवाया था, देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन को आपको मैं 3 या 4 तरीकों से करवा सकता हूँ, और हर जो तरीका बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा। अब देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से सेकंड मेथड से अब करवाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपली आप ये देखिए, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दे रखी 1000 रुपये, और ये 1000 रुपये क्या है बी का विक्रय मूल्य, क्योंकि कहा कि सी ने इसके लिए 1000 रुपये दिए, तो सी ने 1000 दिए किसे, जिससे उसने खरीदा, सी ने खरीदा बी से। अगर उसने बी को 1000 रुपये दिए इसका मतलब कि बी ने उसे 1000 रुपये में सी को बेचा। ठीक बी का विक्रय मूल्य कितना 1000 रुपये, और जो बी का विक्रय मूल्य सी के लिए वो क्रय मूल्य है। ठीक तो सिंपली बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, बी ने जो उस वस्तु को 25%, 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100। मैंने आपको बताया कि इसे कैसे पढ़ते हैं कि 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये उस पर लाभ तो बेचा कितने में होगा, यानी कि बी ने खरीदी 100 रुपये में, बेची कितने रुपये में 125 रुपये में। परंतु ये 125 रुपये बी ने आपको पता सी को बेचा 125 रुपये में, परंतु क्वेश्चन में कह रखा कि 1000 रुपये में बेचा, यानी कि इस 125 को मैं 1000 के इक्विवेलेंट करूंगा, उसके बराबर करूंगा, तो ये 125 का 8 गुना होगा। ठीक तो इसका मैंने 8 गुना किया तो 1000 बना जो एक्चुअल विक्रय मूल्य है, जैसे बी ने बी का जो एक्चुअल विक्रय मूल्य, इसी तरह इसको मैं 8 गुना करूंगा तो 800, यानी 100 जो बी ने उसे कितने रुपये में खरीदा ए से 800 रुपये में। ठीक 800 रुपये में ए से खरीदा, अब देखिए ए से उसने 800 रुपये में खरीदा, यानी कि जे बी का तो क्रय मूल्य है परंतु ए का जे क्या होगा विक्रय मूल्य। ठीक ए ने कितने रुपये में बेचा इसका मतलब 800 रुपये में, यानी कि ए का जो सेलिंग प्राइस 800 रुपये हो गया, परंतु आपको पता कि जो 800 रुपये में बेचने पर ए द्वारा 20% का लाभ भी हुआ है ए को, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 20। अब आपने निकालना है सीपी वो भी ए का, तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ 20 है तो 120। अब देखिए क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से, 3 20 3 अब नहीं कटेगा तो 3 जे नहीं कटेगा 3, यानी कि मेरा आंसर कितना होगा 20 गुणा 100 2000/3। तो देखिए इससे भी आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं, अगर आप जो समझे तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, 125 1000 के बराबर, एक कितने के बराबर होगा 1000/125, तो 100 कितने के बराबर होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं अगर आप सिंपली गुणा नहीं कर पा रहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति कोई व्यक्ति उसने 5 रुपये दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, ठीक उसने उसे जे संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े, तो आपने बताना कि एक संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए एक संतरे का विक्रय मूल्य आप ज्ञात करेंगे तो पहले एक संतरे का क्रय मूल्य निकालिए, देखिए दर्जन में कितने होंगे 12, यानी कि 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा 5 रुपये, क्योंकि कहा कि 5 रुपये में दर्जन खरीदी उसने, तो 12 संतरों का क्रय मूल्य 5 है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, एक संतरे का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे 5/12, जैसे 2 टॉफियां खरीदी 10 में, तो एक टॉफी आपको पता 5 रुपये की होगी, परंतु वो 5 हम कैसे निकालते हैं 10/2 कर, यानी कि जितने रुपये में सारी टॉफियां खरीदी
बटे जितनी टॉफियां खरीदी, इसी तरीके से टोटल उसने 12 संतरों कितने रुपए में खरीदा, पांच पांच, और बटे टोटल संतरे, यानी कि टोटल उसे खर्च करने में जितने रुपए खर्च किए बटे टोटल चीज जितनी उसने खरीदी, यानी कि 5 रुपये नीचे 12 संतरे। वैसे आप निकाल लेंगे, आपको पता है एक संतरे का मूल्य ऐसे निकलेगा कि एक का कैसे कहें 5/12 कर देंगे, यानी कि एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरा उसे कितने रुपए में पड़ा, कितने रुपए में पड़ा, 5/12। बस अभी क्या, आपको 5/12 एक संतरे का आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, हानि 4% दे रखी है, तो विक्रय मूल्य जो निकल कर आएगा वो भी एक संतरे का होगा, क्योंकि अगर आप एक संतरे का क्रय मूल्य यूज़ करें तो निकल कर भी क्या आएगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य। अब आपने निकालना है विक्रय मूल्य, वो भी एक संतरे का, तो एक संतरे का क्रय मूल्य यूज़ करेंगे तो एक संतरे का क्रय मूल्य 5/12, क्रय मूल्य गुणा 100+ लाभ प्रतिशत, परंतु जहाँ हो रही है हानि तो 100 - हानि प्रतिशत, यानी कि 100 - 4 = 96/100, यानी कि 5/12 नीचे आ जाएंगे, 100 गुणा हो जाएगा तो 96, ऊपर चलेंगे 12 - 96 तो ये चला जाएगा 4 से 2 = 25, 5, यानी कि आपका आंसर आ गया 2/5 विक्रय मूल्य, यानी कि एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हुआ, एक संतरे का 2/5, 2/5 रुपये। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपये पैसों में, तो पैसों में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पैसों में किसे, मान लीजिए दे आपके पास है 2/5 रुपीज़, तो रुपीज़ में अगर आपने, मैंने आपको बताया कि जब बड़ी इकाई को छोटी में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। अब आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे, बड़ी इकाई को रुपये को पैसे में बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से, यानी कि 20 × 40 पैसे, आपका आंसर हो जाएगा 40 पैसे। तो इस तरीके से पैसे में भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 4 रुपये में 6 केले खरीदे एक व्यक्ति ने और उसे बेच दिया उसने 5 रुपये में 8 के हिसाब से, तो आपने बताया उसे लाभ या हानि जो भी हो रहा कितने परसेंट हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 6 केले, जब मैं ऐसे लिखता हूँ 6 केलों का क्रय मूल्य कितने रुपये, यानी कि उसने 6 केले कितने रुपये में खरीदे, 4 रुपये में, और बेचे किस हिसाब से, 8 केले, या 8 केलों का विक्रय मूल्य, 8 केलों का विक्रय मूल्य 5 रुपये। अब देखिए आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये लाभ हुआ, तो 1/4 × 100 करके 25% लाभ, तो भी आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि देखिए केलों की संख्या समान नहीं है। मैंने कहा समान चीज़ आप खरीदते हैं, समान ही बेचते हैं, तभी आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि 6 केले को आप क्रय मूल्य कि मैंने खर्च किया 6 केलों का, बेचे मैंने 8, तो उस ऐसे थोड़ा आप लाभ निकाल सकते। मैंने कहा आपने प्रैक्टिकली सोचना है, आपने वस्तुओं की संख्या हमेशा समान रखनी है, तभी आप क्रय मूल्य या अपना विक्रय मूल्य से लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर केलों की संख्या समान करेंगे, देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से क्वेश्चन को कराऊंगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इन दोनों केलों की संख्या से, यानी कि मैं इसे मैं क्या करूँगा 8 से गुणा कर दूंगा, इसे मैं 6 से गुणा कर दूंगा, तो केलों की संख्या समान हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में गुणा किया तो इस तरफ भी मैं करूंगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को करना जो भी संख्याएं दे रखी हैं, 6 को मैंने 8 से किया तो इस तरफ मैं क्रय मूल्य को भी 8 से करूंगा, इधर मैंने 6 से गुणा किया तो इधर मैं 6 से गुणा करूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, केले 48 48 सेम हो गए, यानी कि 48 का CP 48 का SP, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 32 हो गया, इधर 30। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन में 48 केले कितने में खरीदे, 32 में, 48 केले कितने में बेचे, 30 में। अब मुझे बताओ क्वेश्चन अब आपका उल्टा हो गया, जहाँ तो लाभ हो रहा था असल में क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है। अब मुझे बताइए 48 केले ही खरीदे, 48 ही बेचे, खरीदे 32 रुपये में, बेचे 30 रुपये में, तो उसे क्या हुआ, हानि, हानि कितने रुपये हुई। जब हानि होती है तो हानि का मतलब होता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, यानी कि ज़्यादा रुपये खर्च करके खर्च किए परंतु उसने बेचा कम में। क्रय मूल्य हानि तभी होती है जब खर्च ज़्यादा करते हैं और बेचते कम में उस चीज़ को, तो हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, यानी 32 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि हानि कितनी हुई, 2 रुपये, परंतु मैं निकालूंगा हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, तो हानि मैंने निकाली 2 रुपये, क्रय मूल्य 32 रुपये, 100, तो 16। अब आप निकालें 16 * 96, 4/16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 * 16, यानी कि 6 से ही 1/4, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो 6 से ही 1/4% क्या हुई, हानि। तो ऑप्शन में कभी ऐसा दे रखा होता है 6 से 1/4% लाभ, 6 से 1/4 कुछ ऐसा ऐसा, तो आपने ऑप्शन एक ऐसे नहीं देखना कि आपने सिर्फ इतना ही देखा कि यार आंसर मेरा इतना आ गया और ऑप्शन में दे रखा है, आप चाहे उसके आगे लाभ ही दे रखा हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल देख कर आंसर लगाना, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आंसर निकाल भी लिया और क्वेश्चन उसमें गलत टिक कर आए। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। अगर वैसे देखिए आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, परंतु फिर भी करवाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन के एक आदमी ने कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से खरीदे तथा उतने ही रुपए में 8 के भाव से खरीदे, यानी कि दो अलग अलग टाइप के संतरे खरीदे, एक को उसने 1 रुपये में 12 के भाव से खरीदा और एक को 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदा। फिर वो कहा जा रहा है कि उसने दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर मिक्स कर दिया दोनों को, फिर उसने बेचा कितने में, 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। तो आपने बताना कि उसे लाभ या हानि जो भी हुआ वो बताना कितने प्रतिशत हुआ। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया वैसे करेंगे, 12 संतरे मान लेते, संतरे कितने रुपए में खरीदे, 1 रुपये में, 8 संतरे कितने रुपए में खरीदे, 1 ही रुपये में, ये कॉस्ट प्राइस है, जो भी कॉस्ट प्राइस। देखिए 2 संतरे खरीदे दो टाइप के उसने, परंतु उसने बेचे कितने संतरे, 10 संतरे, ये होगा सेलिंग प्राइस 1 रुपये में। ठीक, हम करेंगे संतरों की संख्या समान तीनों जगह, ठीक, फिर हम टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल विक्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं तीनों जगह समान करूंगा, तो समान कैसे कर सकते हैं, मैं तीनों का एलसीएम निकाल सकता हूँ, 12, 8 और 10 का। ठीक, तो क्या होगा एलसीएम, 4, 2, 10, 2, 5, यानी कि एलसीएम होगा 5 से 15 30, चौके 120, यानी मैं सभी को 120 बनाऊंगा। इसे 120 बनाने के लिए 10 से गुणा करूंगा, इसे 120 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, आपने क्या बनाना है, हाँ 120 12, गलत तो नहीं कर दिया कहीं, 15 से हो जाएगा जी, 15 से 120। तो इस तरफ भी क्या करेंगे आप, 10 से 15 से 12 से, तो इधर तो संतरों की संख्या 120 120 120 होगी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमने संख्या समान करनी थी, हमें मतलब होता है कितने रुपए खर्च या कितने रुपए में बेचा। तो ये 10 बन गए, ये बन गए 15, ये हो गए 12। तो देखिए अब उसने 120 को कितने में खरीदा, 10 में, 120 को कितने, 15, यानी कि उसे टोटल खरीदने में कितने रुपये खर्च किए, 25, बेचे में कितने उसने, 12, खरीदे 25 में बेचे 12 में, तो यानी कि हानि हुई, तो हानि कितने रुपये हुई, 13। हमने निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत 13 बटे क्रय मूल्य, टोटल खर्च कितने किए, 25 रुपये, तो 100 25 चौका 100, यानी कि 52% उसे क्या हुई, हानि परसेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से आप इसको। वो देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर, देखिए शायद आप में से किसी ने इससे पहले अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो मैं कहूँगा कि उसने बिल्कुल क्वेश्चन समझा कि मैंने गलती कहाँ की। तो अगर नहीं किया होगा तो इसका मतलब आप सिर्फ देख रहे हैं, चाहे कोई गलत करवा दे आपको तो तब भी आप कर लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, गलत नहीं करना आपने। देखिए हम अब हमने मैंने कहा जितने खरीदे उतने ही बेचे, हमने इधर 120 120 120 कर लिया, परंतु क्रय मूल्य हमने कितनों का लिया, 120 प्लस 120 240 संतरों का, बेचे हम कितने, 120 का ही विक्रय मूल्य सिर्फ ले रहे हैं, यानी कि इधर मैं 240 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा तो इधर 24 हो जाएगा फिर, यानी कि विक्रय मूल्य 24। अब संख्या बराबर हो, 240 खरीदे 240 बेचे, तो यानी कि 25 की चीज़ 24 में बेची, 1 रुपया हानि, और क्रय मूल्य कितना है, 25 गुणा 100, यानी कि 4% हानि आपका आंसर आएगा। मैं भी सोचूं 52% कैसे आ गया, तो 4% होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, परंतु समझ आ गया होगा। मैंने कहा आपको संतरों की संख्या जितने खरीदे उतने ही बेचने होते हैं, ठीक, तो ये भी आप अब ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें बट्टा भी यूज़ किया जाता है, यानी कि छूट डिस्काउंट भी यूज़ किया जाता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अंकित मूल्य से अलग मैं वीडियो लगाऊंगा, जैसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और बट्टा को भी इकट्ठे जोड़कर एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस तो इससे कवर हो जाएगा, बाकी बट्टे वाले क्वेश्चन अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 किलोग्राम चीनी 972 रुपये में बेचने पर 8% लाभ होता है किसी को, और कह रहा है अगर वो उसे 12 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसे लाभ जहानी प्रतिशत कितना होगा। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 75 किलोग्राम चीनी को कितने रुपए में बेचा उसने, 972 रुपये में। देखिए मैंने कहा जितनी चीज़ खरीदी उतनी हम बेचेंगे तभी हमें अपने लाभ जहाने की गणना होगी। पहले हम देखेंगे 75 किलोग्राम चीनी को उसने 972 रुपये में बेचा तो उसे उसने खरीदा कितने रुपए में था। तो मेरे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट 8%, तो मैं निकालूंगा कि 75 किलोग्राम उसने खरीदी कितने में थी। तो 75 किलोग्राम कैसे निकालूंगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि 108, तो 5 4 50 27 25,
तो शायद ये 27 से चला जाता होगा, 3 से काट देते, 3 9, 3 2 6, 3 6 12, 9 1 9 2 18, 9 से नहीं जाएगा जे, 3 8, 3 3 9, 3 6 18, यानी कि मेरे पास आ गया 25 6 150, 25 3 75, 75 10 85, 90, ठीक, यानी कि 900 रुपये में उसने खरीदा 75 किलोग्राम चीनी को, 900 रुपये में खरीदा। मैंने क्या निकाला, 75 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 900 रुपये, ठीक। अब आगे कह रहा कि उसने 12 रुपये प्रति किलो की दर से अगर वो इसे बेचे तो उसे लाभ होगा या हानि। देखिए, जा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने कहा जितनी खरीदी उतनी हम बेचेंगे तभी हम निकाल सकते हैं लाभ या हानि। देखिए, अब मैं ये निकाला 75 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, जितने में खरीदी थी उस व्यक्ति ने, विक्रय मूल्य तो दे रखा। अब मैं जा तो ये कर सकता हूँ, जहाँ से मैं 1 किलो चीनी कितने में खरीदी जे निकाल सकता हूँ, फिर इधर इधर भी 1 किलो उसने 12 में बेची, जहाँ से मैं फिर लाभ जहानी निकाल सकता हूँ, या फिर 12 रुपये प्रति किलो, तो 12 रुपये, अगर 1 किलो 12 रुपये में उसने बेची तो 75 किलोग्राम कितने में बेची होगी, 75 गुना 12, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैं उधर ही उसको भी 75 किलो बना लेता हूँ, यानी कि उसने 1 किलो 12 रुपये के हिसाब से बेची, तो 75 किलो कितने रुपये की बेची होगी, 12, यानी कि 12 5 60, 84 6 यार, ये तो 90 हो गया, तो इसमें तो कोई लाभ या कोई हानि होगी ही नहीं फिर, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए अब 900 रुपये में खरीदी, 900 में ही बेच दी, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो देखिए, बस आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन हम करते कैसे, मेरा आपको एक चीज़ आपने याद रखी, जितनी चीज़ हम खरीदेंगे उतनी ही चीज़ हम बेचेंगे। अगर मैं जहाँ 1 किलो लूँगा तो जहाँ भी 1 किलो यूज़ करूँगा 75 किलो यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ भी 75 किलो यूज़ करूँगा, चाहे आप 1 किलो यूज़ कर कर करेंगे तब भी लाभ उतना ही आएगा, 75 किलो दोनों तरफ सेम करके तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के हर तरीके के क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बता दिया आपको, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और एक ट्रिक की क्लास भी लगाई है इससे पहले जो डाली गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपको कोई भी लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरा रहेगी क्लास वो रहेगी टाइम एंड वर्क, जो जो भी आप कहेंगे, या फिर इससे रिलेटेड ही अंकित मूल्य, या वो वाली क्लास ले सकता हूँ क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही होगी, तो आप बता दीजिएगा, और क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।